इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेई के लिए जेई का बहुत फेवरेट टॉपिक है। जेई में इसे अल्टरनेट ईयर में ऑलमोस्ट पूछता ही है या फिर अब तो जेई का बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो किसी ना किसी शिफ्ट में इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है वन, और क्यूब रूट्स का मतलब क्या होता है वन बाई थ्री। तो यहां पे वन का पावर वन बाई थ्री ले लिए और इसको मान दिए एक्स। हम यहां से एक्स का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जो रियल वैल्यूज होगा वो भी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी। मतलब कि जितना भी एक्स का रियल वैल्यूज आएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सब हम यहां पे निकालेंगे। तो अब कैसे करते हैं, ध्यान दें, यहां पे हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूबिंग करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, देख सकते हो यहां पे डिग्री थ्री है। तो अगर डिग्री थ्री है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहां से तीन रूट्स आएगा। अब रियल भी आ सकता है और इमेजिनरी भी आ सकता है। अब यहां से हम तीनों रूट्स निकालने जा रहे हैं, वन को उठा के इधर कर दें तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। फिर एक्स क्यूब, हम इस वन को वन क्यूब इक्वल टू जीरो लिख ही सकते हैं। अब मेरे पास ये फॉर्मूला में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम लोग नाइन टेंथ में भी पढ़ चुके हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये एक्स माइनस वन आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हम इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो एक्स माइनस वन को अगर हम जीरो से इक्वेट किए तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा वन। इधर हम इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो से इक्वेट किए, ये गौर करो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के मदद से एक्स का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सभी लोग को पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू, यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए क्या है वन है, बी क्या है वन है, सी भी वन है। तो बी के जगह पे वन रखेंगे तो माइनस वन आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी के जगह पे वन रखे तो ये वन आया, माइनस फोर ए सी, ए के जगह पे वन सी के जगह पे वन डिवाइड बाई टू है टू इंटू वन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि नाइन टेंथ में पढ़ चुके हो, वही हम अप्लाई किए। अब इस पे जोर हटाओ अप्लाई करते हैं तो ये एक्स आएगा माइनस वन आया, फिर क्या आएगा प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस फोर, वन माइनस फोर क्या होता है माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री आया डिवाइड बाई वॉट टू। तो रूट के अंदर अगर माइनस तो रूट अंडर माइनस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री आई। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। तो यहां से मेरे पास एक्स का दो वैल्यू आया, एक माइनस वन आया, एक प्लस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू आया, और दूसरा वैल्यू आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। तो यहां से हमको एक्स का दो वैल्यू मिला और यहां से हमको एक्स का एक वैल्यू मिला। तो टोटल एक्स का कितना वैल्यू मिला, तीन वैल्यू। तीन वैल्यू इसलिए मिला क्योंकि यहां पे देखिए थ्री डिग्री इक्वेशन था, तो तीन वैल्यू मिला जिसमें एक वैल्यू जो आया वो रियल आया और दो वैल्यू कैसा आया कॉम्प्लेक्स। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक वैल्यू जो होगा वो रियल होगा और दो रूट्स जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक वैल्यू क्या होगा रियल और दो वैल्यू क्या होगा क्यूब रूट्स ऑफ मतलब कॉम्प्लेक्स। अब इसी वैल्यू को हम ओमेगा कहते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, या फिर इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो इसको ओमेगा। इन दोनों में से आप किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। याद रखें किसी को भी ओमेगा, हम इसको ओमेगा कहें तो ये ओमेगा स्क्वायर हुआ, अगर तुम लोग इसको ओमेगा कहोगे तो ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब किसी को भी ओमेगा कह सकते हो, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर। ये टोटली तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि किसको ओमेगा लेना किसको ओमेगा स्क्वायर लेना। तो यहां से तीन रूट्स आया, वन आया ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब जरा गौर करें तो मेरे पास ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। ये तीन रूट्स, अगर हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज पे गौर करें, ये तो दो रूट्स हुआ और तीसरा क्या आ गया एक्स इक्वल टू वन, ये तीन। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो जीरो होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा जीरो, और ओमेगा क्यूब क्या होगा वन, ओमेगा क्यूब वन। इसको अगर हम चाहें तो क्वाड्रेटिक से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन
जो अभी मेरे पास है उसी की मदद से हम प्रूफ करते हैं। जैसे वन के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वन है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। वन के जगह पे वन रखें, ओमेगा का जो वैल्यू उसको पुट करते हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू, यही ओमेगा का वैल्यू हम निकाले थे। ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू उसको पुट करते हैं माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नीचे एलसीएम में क्या आएगा, टू, यहाँ पे टू आ गया, माइनस वन माइनस वन माइनस टू बनेगा, ये रूट थ्री आई बना और इधर से माइनस रूट थ्री आई बन गया। गौर करो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया, जीरो बाई टू, एंड जीरो बाई टू इज वॉट, जीरो। तो सम ऑफ द रूट्स वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, याद रखे सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, जीरो। अब यहां पे हम देखें दूसरा, ओमेगा क्यूब वन है, तो यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। ओमेगा का वैल्यू भी है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू। अब नीचे देखो टू इंटू टू है तो टू इंटू टू क्या बनेगा, फोर। ऊपर गौर करें, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, या आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या बनता है, माइनस वन, तो बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बाई फोर, तो ये फोर बाई फोर आया एंड फोर बाई फोर इज वन। तो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का दो प्रॉपर्टीज होता है, एक वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो और एक ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम पी का क्यूब रूट्स निकाले तो क्या होगा, पी का क्यूब रूट्स निकाले तो क्या होगा। एक चीज गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्स इज इक्वल टू हम वन का पावर वन बाई थ्री लिए थे, तो मेरे पास आया था वन, फिर मेरे पास आया था वन ओमेगा, फिर मेरे पास आया था ओमेगा स्क्वायर, तो हम इस ओमेगा स्क्वायर को वन तो लिख ही सकते हैं, और इस वन को वन का पावर वन बाई थ्री, वन को वन का पावर वन बाई थ्री, और वन को वन का पावर वन बाई थ्री लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू वन का पावर वन बाई थ्री है, तो इससे तीन वैल्यू आता है, एक वन का पावर वन बाई थ्री आएगा, वन का पावर वन बाई थ्री ओमेगा, वन का पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही जिसका क्यूब रूट हमको निकालना था, किसका क्यूब रूट निकालना था, वन का पावर वन बाई थ्री का, तो वो तो आया खुद, उसके बाद वो साथ में किसको किसको लाया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। तो यहां पे हमको निकालना है एक्स पी का पावर वन बाई थ्री, तो इसका तीन रूट्स क्या क्या होगा, एक पी का पावर वन बाई थ्री खुद होगा, दूसरा पी का पावर वन बाई थ्री ओमेगा होगा, और तीसरा पी का पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर होगा, जहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वही वैल्यू है जो अभी आया था, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू और माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। अगर मानो हमको निकालना हो टू का क्यूब रूट, तो टू का क्यूब रूट क्या आएगा, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे टू का पावर वन बाई थ्री, फिर टू का पावर वन बाई थ्री ओमेगा, फिर टू का पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर, बस। अगर हमको फाइव का निकालना हो, फाइव का क्यूब रूट निकालना, तो क्या आएगा, फाइव का पावर वन बाई थ्री, फाइव का पावर वन बाई थ्री ओमेगा, और फाइव का पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर, एकदम सिंपल। इस पे जेई में सवाल भी आया हुआ, और ये सवाल एक बार नहीं, जेई में दो दो बार पूछा, दो दो बार पूछा, दो बार नहीं इनफैक्ट तीन बार पूछा, दो बार तो इसी टाइप का पूछा, तीन बार, तीसरे बार में पी को यूज करके पूछा था। तो इसका हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन होल पे पावर थ्री है, ये एट को अगर उधर लेके चले जाएं तो माइनस एट बनेगा। अब इसको हम एक्स माइनस वन माइनस एट होल पे पावर वन बाई थ्री कर सकते हैं, तो माइनस एट होल पे पावर वन बाई थ्री, माइनस एट होल पे पावर वन बाई थ्री, गौर करो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ माइनस एट आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस वन माइनस एट का पावर वन बाई थ्री आएगा, दूसरा क्या आएगा, माइनस वन माइनस एट का पावर वन बाई थ्री ओमेगा आएगा, और तीसरा क्या आएगा, एक्स माइनस वन माइनस एट का पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर, एकदम आराम से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, वन को उधर भेज दिए तो एक्स इज इक्वल टू वन, माइनस एट का पावर वन बाई थ्री क्या बनेगा, माइनस टू, फिर यहां से क्या होगा, एक्स वन को इधर भेज दिए वन, वन इससे वन को इधर भेज दिए वन, फिर एट का पावर माइनस वन बाई थ्री क्या आएगा, माइनस टू, और साथ में कौन है, ओमेगा। सिमिलरली थर्ड वाले से क्या आएगा, वन को इधर भेजे तो वन, माइनस एट का पावर वन बाई थ्री क्या बनेगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। अब गौर कर सकते हो ये क्या आया, माइनस वन आया, ये वन माइनस टू ओमेगा आया, और ये वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आया। अब ऑप्शन देखते हैं, माइनस वन माइनस वन, वन माइनस टू ओमेगा,
फिर 1-2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, इसको आप जरूर अच्छे से करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि वो लोग भी देखें, वो लोग भी बेनिफिटेड हो। और अगर मेरे वीडियो से आप बेनिफिटेड हो रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।